गुड मॉर्निंग एफआईबी कॉम स्टूडेंट्स, आज हम अपने पैम्पलेट का अकाउंट का सेकंड लेक्चर सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप एग्जांपल कर रहे हो तो एग्जांपल में जो एडजस्टमेंट है उसे टिक कर लो, ताकि जब भी हम लिखे तो एडजस्टमेंट में नीचे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग एंड कैपिटल, स्टॉक है, परचेज एंड सेल है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड है, फ्रेट, डेटर, 6% लोन, मिसलेनियस, सारी चीजें दिखाई गई है। पीछे में एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च। अब जो 31 मार्च 2016 का स्टॉक है, हम बैलेंस शीट भी कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2016 को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 15,400 इंस्टॉल्ड ऑन, कब इंस्टॉल की गई, 1 अप्रैल 2015, मतलब साल के पहले दिन पर। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो उसका यूज होगा। और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज मेड, क्योंकि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है, क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं की गई है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, देखो मशीन आपने परचेज की है तो मशीन जितनी भी है उसमें ये मशीन बढ़ जाएगी, और अभी तक पेमेंट नहीं हुई है तो सामने क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स ऑफ मशीनरी अलग दिखा देंगे। आगे लिखा है डेप्रिसिएट मशीनरी 10%, include among the debtor 3000 due from Ram and include among creditor 1000 due to him। इसका मतलब यह हुआ कि debtor में 3000 ऐसे हैं जो राम से लेने हैं, और उसी राम को हमें 1000 देना भी है। मतलब 3000 लेने हैं, 1000 देने हैं, तो मैं क्या कहूंगा, 1000 तो मत दे, खाली 2000 दे देना। वो मैं आपको समझा रहा हूं, उसका इफेक्ट आएगा debtor में और creditor में। आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का आधा अमाउंट नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीपेड है, पहले से हमने चुका दिया है, तो नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, मतलब प्रिंटिंग और स्टेशनरी में से माइनस हो जाएगा और एसेट साइड आ जाएगा। फर्नीचर बुक वैल्यू 1000 सोल्ड फॉर ₹1100 ऑन 1 अप्रैल, नो इफेक्ट वॉज गिवन इन द बुक्स। फर्नीचर हमने 1000 का 1100 में बेच दिया, बट उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो फर्नीचर पे भी हम क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, सारी चीजों को हम प्लेस कर लेंगे जहां जहां उनकी जगह है। सबसे पहले ड्रॉइंग एंड कैपिटल। दूसरी बात, आप जब भी एफआईबी कॉम में कर रहे हो तो एक बात नोट करना, कॉलम बनाने से पहले यह बात जरूर देख लेना कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है कि पार्टनरशिप का है। अभी तो दोनों एग्जाम्पल जो हमने किए सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनता। अगर यही पार्टनरशिप होता जिसमें दो पार्टनर तीन पार्टनर होते तो मैं एक और अकाउंट बना लेता कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एग्जांपल, पहले ड्रॉइंग एंड कैपिटल। जो डेबिट पे होती है वो ड्रॉइंग होती है, जो क्रेडिट पे होती है कैपिटल। तो कैपिटल हमें दिखाई गई है 70,000 की, मैंने क्या किया 70,000 की कैपिटल दिखा दी, इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह प्लस होगा, और दो तीन लाइन छोड़ने के बाद उसमें से क्या माइनस कर सकते हैं, ड्रॉइंग। और जो ड्रॉइंग आपकी दी गई है कितनी दिखाई गई है, 5000 की ड्रॉइंग दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक जो 1 अप्रैल का है 20,200 का, तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आ जाएगा, डेट से पता चल रहा है ये ओपनिंग स्टॉक है, डेट से पता चल रहा है ओपनिंग स्टॉक 20,200 का दिया हुआ है, ये मैंने दिखा दिया 20,200 ट्रेडिंग के डेबिट पर। फिर परचेज एंड सेल, जो डेबिट पे होती है वो परचेज, जो क्रेडिट पे होती है वो सेल होती है। बट परचेज में हमने देखा, नीचे आप देखोगे परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी है, राइट। तो परचेज के नीचे भी स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा, तो यहां मैंने परचेज को इनर कॉलम में दिखा दिया। आप देखो परचेज जो दिखाई गई है डेबिट पे 89,950 दिखाई गई है, 89,950, और क्रेडिट पे सेल दिखाई गई है 1 लाख की, तो मैंने क्रेडिट पे सेल दिखा दी, वो भी इनर कॉलम में 1 लाख रुपीस की सेल मैंने दिखा दी। तो ये 1 लाख की सेल मैंने क्रेडिट पे दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड किसे कहते हैं, हमने चीजें सेल की वापस आ गई तो वो इनवर्ड हुआ, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और आउटवर्ड मतलब हमने किसी को वापस किया, चीजें बाहर जा रही है, तो वो परचेस रिटर्न। आपको एक बात याद दिला दूं, सेल क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेस डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होती है। तो जो क्रेडिट पे लिखा है वो परचेस रिटर्न है, और जो डेबिट पे लिखा है वो आपका सेल्स रिटर्न है। लगभग परचेस
परचेज और सेल से कोई भी एडजस्टमेंट दूसरी भी नहीं थी, दूसरी कोई भी परचेज और सेल की एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। देखो रिटर्न इनवर्ड जो डेबिट पे 3600 है वो सेल्स रिटर्न है, डेबिट पे 3600 है वो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न मैंने दिखा दिया 3600 का। और जो क्रेडिट पे है 4750 वो आपका क्या हो जाएगा, वो परचेज रिटर्न। एक लाइन छोड़ दो में भी कोई एडजस्टमेंट आया कि नहीं, तो प्लस माइनस करने के बाद हम डायरेक्ट आउटर में ले लेंगे। फ्रेट एंड कैरिएज, आपको पता है फ्रेट एंड कैरिएज ट्रेडिंग में आता था, कैरिएज कैरिएज इनवर्ड वगैरह हम ट्रेडिंग में दिखाते, तो मैं सिंपल फ्रेट दिखा देता हूं यहां पर। फ्रेट एंड कैरिएज कह सकते हैं, फ्रेट एंड कैरिएज कितना अमाउंट दिया हुआ है 2450, तो ये 2450 का अमाउंट है यहां मैंने दिखा दिया। इसके बाद दिखा है डेटर एंड क्रेडिटर, जो डेटर होते हैं आपको पता है डेबिट पे आते हैं और एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, तो डेटर्स में एडजस्टमेंट भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको इनर कॉलम में दिखा देता हूं। डेटर्स आपके कितने हैं, 46,000 के डेटर्स है, राइट, उसमें भी शायद उसमें भी एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स की तो दो दो एडजस्टमेंट थी, तो क्रेडिटर्स आपके कितने दिखाए गए हैं, क्रेडिटर्स आपके दिखाए गए हैं 35,000, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिटर वो 35,000 दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 6% बैंक लोन एंड इंटरेस्ट दे रहा हूं। हमने लोन लिया है कि दिया है, नेचुरली बैंक से हम लेते हैं, बट फिर भी बता दूं लोन का अमाउंट जो होगा ना वो बड़ा होगा, वो क्रेडिट साइड पे लिया है, मतलब हमारी लायबिलिटी, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो वो लायबिलिटी होती है। तो 6% बैंक लोन क्रेडिट में देखो 12,000 लिखा हुआ है, 6% लोन क्रेडिट में अगर हम देखें कितना अमाउंट दिखाया गया है, 12,000 का अमाउंट दिखाया गया है। अब 6% लोन एंड इंटरेस्ट दिया, परसेंटेज दी गई है, दैट मींस उसे कहते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा, डेट कहीं नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं थी, तो हम फुल ईयर का ले लेंगे। अब सोचो 12,000 का अमाउंट है लोन का, उसका 6% पहले इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया रहा हूं, मतलब इंटरेस्ट जो है हमारा एक्सपेंसेस है, पहले जो इंफॉर्मेशन है उसे तो मैं फॉलो करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 520। अब एक्चुअली कितना आना चाहिए, सोचो आपने 12,000 का लोन लिया था, उसका 6% काउंट करो, 12,000 का 6% पूरे साल का होता है 720, आपने पे किया 520, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है आपका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 200 रुपीज, तो 520 प्लस 200 720 रुपीज टोटल इंटरेस्ट हुआ, बट ये 200 तो आउटस्टैंडिंग हुआ, तो आउटस्टैंडिंग है, तो लोन के साथ आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका कितना है 200, तो 12,000 प्लस 200 इक्वल टू 12,200 हमारा लोन हो जाएगा, क्योंकि 520 हम पे कर चुके हैं, वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। 200 आपका कहां से आया, मैंने हिडन एडजस्टमेंट के तौर पर काउंटिंग की, हिडन एडजस्टमेंट में टोटल इंटरेस्ट काउंट किया 12,000 का 6% 720, जिसमें से 520 हमने पे कर दिया, 200 और पे करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मिसलेनस इनकम दिखाई गई है, मिसलेनस इनकम इनकम है, दैट मींस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा, बाय मिसलेनस इनकम। मिसलेनस का मतलब होता है छोटी छोटी इनकम, कहीं से भी हुई होगी, हमें वो अलग देखने की जरूरत नहीं है, हमें दिखा देना है मिसलेनस इनकम, और अमाउंट है 17,750 की इनकम दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बैंक बैलेंस दिखाया 4,000 हमारी एसेट है, डेटर के बाद दो तीन लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप दिखा सकते हो बैंक बैलेंस, या खाली बैंक भी दिखा दोगे तो भी चलेगा, अमाउंट है 4,000, ये बैंक बैलेंस हमने दिखा दिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जनरल एक्सपेंसेस है 4880, जनरल एक्सपेंसेस है 4880, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप सीधे आउटर कॉलम में दिखा सकते हो, तो जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे आ जाएंगे, अमाउंट है 4880। नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग आपका 12,000 है, उस पर एडजस्टमेंट थी, तो मैं उसे इनर कॉलम में दिखा देता हूँ। वर्ड में सिंपल फर्नीचर लिख रहा हूँ, आप पूरा वर्ड लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिखाया गया है 12,000, ये 12,000 का मैंने फर्नीचर दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, मशीन 30,000, फर्नीचर के बाद दो तीन लाइन का गैप छोड़ने के बाद मशीन, क्योंकि फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, मशीन में भी एडजस्टमेंट है,
तो मशीन को भी मैंने इनर कॉलम में दिखा दिया 30,000। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जिसे बिल्स रिसीवेबल भी कह सकते हो, डेटर भी कह सकते हो। रिसीवेबल का मतलब होता है वो जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो यहां पर मैंने मशीन के बाद थोड़ा गैप छोड़ने के बाद वर्ड लिख लिया अकाउंट रिसीवेबल, दैट मीन्स हमारे डेटर। अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमारे लिए डेटर्स हो गए 2,500 के डेटर्स। एक तरह से डेटर भी कह सकते हो या जिनसे पैसे लेने हैं, डेटर तो ऑलरेडी ऊपर है। इन्वेस्टमेंट 8,000, इन्वेस्टमेंट हमारी 8,000 दिखाई गई है। तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे उसे आउटर कॉलम में डेबिट पे एसेट साइड पे दिखा देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीछे, आपको क्या दिखाया गया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस है हमारा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखा दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट है 400, ये मैंने 400 दिखा दिया। नेक्स्ट लास्ट आइटम है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 10,000, बट इस पर एडजस्टमेंट भी है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर एडजस्टमेंट है, उसे मैं इनर कॉलम में दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग अमाउंट है 10,000, ये मैंने 10,000 इनर कॉलम में दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं क्या दिखाया गया है। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st पर 34,000 का स्टॉक है। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 34,000। तो 34,000 का एक इफेक्ट आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में दे दिया। दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड आ जाएगा। एसेट साइड हम क्या दिखा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 34,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। यहां भी वर्ड क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म जितना हो सके मत यूज करना। नेक्स्ट, उसके बाद आपका दिखाया गया है, ध्यान से सुनना, अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 15,400 इंस्टॉल्ड की है। एक नई मशीन हमने ली है 15,400 की, बट वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्योंकि हमें अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो एक तो मशीन बढ़ जाएगी आपकी एडिशन, और वो भी पहली डेट पे ही किया हुआ है 1 अप्रैल। अगर ये 1 जून 1 अगस्त होता तो डेप्रिसिएशन काउंट करने में हमें अलग अलग करना पड़ता। अभी तो 1 अप्रैल है, कितना अमाउंट है 15,400 है, तो मैं इसमें प्लस ही कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 45,400। वरना अगर ये 1 जुलाई होता ना, तो ये जो न्यू मशीन है उसका डेप्रिसिएशन 6 महीनों का काउंट होता और पुरानी मशीन का 12 मंथ का। बट ये डेट दिखाई गई है 1 अप्रैल है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ 15,400 प्लस किया, और दूसरा क्रेडिटर, बट ये क्रेडिटर कौन से है, मशीन के है, तो मैं इसे अलग से दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर फॉर मशीन, क्रेडिटर फॉर मशीन 15,400 के हमारे क्रेडिटर है, क्योंकि पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% पर है ना, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज है, 10%, इसका 10% काउंट करेंगे 4540, 4540 10%, 45,400 है। अब अगर मैं माइनस करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अगर मैं माइनस करता हूँ 45,400 से तो अमाउंट आ जाएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना डेप्रिसिएशन आपका आ रहा था 4540। बाकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद देखो आपका कितना रह रहा है, जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, 10 में से 4 माइनस हुआ 6, फिर यहाँ कैलकुलेटर पे ही करना, ये हो गए 3, 13 में से 5 माइनस करेंगे 13, उसमें से 5 माइनस किया तो 8, अब ये 13 हो गए, यहाँ पर 4 में से 4 माइनस हो जाएंगे 0, 40,860 आ जाएगा, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड अमंग द डेटर 3,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर राम एंड इंक्लूड अमंग द क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हिम। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि क्रेडिटर और डेटर में 1% कॉमन है मिस्टर राम। अब लेने उसे 3,000, देने उसको 1,000, तो उसे क्या कहेंगे भाई, 1,000 माइनस कर दे, बाकी 2,000 ही दे दे। तो डेटर में से हमारे कितने माइनस हो जाएगा 1,000 रुपीज, इधर क्रेडिटर में से भी 1,000 माइनस हो जाएगा। यहां पर वर्ड आप लिख सकते हो मिस्टर राम,
और 1000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, तो डेटर हमारे जो 46 है वो हो जाएंगे 45। और सेम वे में अगर हम देखें, सेम वे में 1000 रुपीज क्रेडिटर में भी वही पर्सन है मिस्टर राम 1000, दोनों में से जो छोटी अमाउंट है वो माइनस होगी। छोटी अमाउंट का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये देखो, अगर मान लो मुझे किसी से 3000 रुपए लेने हैं और उसी पर्सन को 1000 देना भी है, तो मैं उसे लॉजिकली क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा भाई देख, 1000 में तुम्हें नहीं दे रहा हूं, जो मुझे 3000 तुमसे लेने हैं ना, एक काम कर उसमें से 1000 माइनस करके बाकी 2000 दे दे। तो अब मेरे डेटर कितने हैं? 2000। अब मेरे डेटर है 2000, मतलब कितने कम हो गए? 1000 कम हो गया, तो डेटर में से मैंने 1000 माइनस कर दिया। इधर मेरे जो क्रेडिटर है उसमें से भी मैंने क्या किया? 1000 रुपीज माइनस कर दिया। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग में से जो आधा अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का है। देखो, प्रिंटिंग का अमाउंट 10000 है, नेक्स्ट ईयर का है, जिसे हम वर्ड यूज कर सकते हैं प्रीपेड। आधा अमाउंट मतलब 10000 का हाफ कर दिया तो हो जाएगा 5000, तो 10000 में से 5000 माइनस हो गए, बाकी रहेगा 5000। अच्छा, ये नेक्स्ट ईयर का है मतलब प्रीपेड है, तो हमारी एसेट भी हो जाएगी। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है कितना? 5000 रुपीज। ये 5000 हमने यहां पर आउटर कॉलम में ले लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर बुक वैल्यू 1000 वाज सोल्ड 1100 ऑन 1 अप्रैल। डेट भी ध्यान से देखने जैसी है, क्योंकि यहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे नहीं है, बट फर्नीचर जिसकी वैल्यू 1000 में थी हमने 1100 में बेचा है, एंड नो इफेक्ट वाज गिवन इन द बुक्स। अब हमने बुक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं दिया है। अब सोचो, जब आप फर्नीचर बेचते हो तो आपके पास क्या आती है? कैश आती है। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने क्रेडिट पे बेचा या कैश पे बेचा। अगर कैश पे बेचा तो कैश बढ़ जाएगी और आपके यहां से फर्नीचर चला जाएगा। तो फर्नीचर हमने सोल्ड किया, रियल में जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो तो 1000 रुपीज थी, भले हमने 1100 में बेचा, बट फर्नीचर सोल्ड हुआ कितने का? 1000 का। दैट मींस बाकी का 11000 का फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये 1000 रुपीज का जो फर्नीचर है हमने बेचा 1100 में, दैट मींस 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको। तो प्रॉफिट हमारी इनकम हो गई। तो यहां मैं दिखा देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सेल की उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज। और सामने इसका और इफेक्ट आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट भी टैली होना चाहिए। अभी तक आपने क्या किया? 1000 रुपीज यहां माइनस किए, दैट मींस ये क्रेडिट हुआ, क्योंकि हम एसेट साइड पर, एसेट साइड पे आप माइनस करते हो, एसेट साइड पे माइनस, एसेट होता है डेबिट, डेबिट साइड पे माइनस हुआ, ये हुआ क्रेडिट और ये भी क्रेडिट हुआ। अभी तक 1100 क्रेडिट हुए, तो 1100 डेबिट भी होंगे कहीं आपको। उसके सामने सोचो कैश आई होगी, कैश या बैंक आया होगा, बैंक में बैलेंस आया होगा, तो आपके पास 1100 रुपीज कैश आई होगी। तो ये कैश यहां पर या बैंक कह सकते हैं, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। देखो, आपके पास ऑलरेडी बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है? 4000। 1100 आपने जो फर्नीचर सोल्ड किया उसके आए होंगे। अगर कैश भी अलग से दिखाना चाहो तो कैश दिखा सकते हो, नहीं तो बैंक में प्लस कर देंगे, मतलब आपका जो बैंक बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5100। सारी एडजस्टमेंट हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। परचेस में और कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम में ले लो। सेल में और कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम में ले लो। टोटल करना, इसका जो प्रॉफिट आएगा, मतलब क्रेडिट का टोटल अगर बड़ा है तो डिफरेंस आपका जो डेबिट में आएगा वो आपके लिए हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो आपके लिए क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। सेम वे में वो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां लेके आओगे। लास्ट एग्जांपल में भी मैंने करवाया था, टोटल करके आपको मिलने वाला है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल में प्लस होता है, बट अगर नेट लॉस होगा, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट का टोटल बड़ा हो तो नेट लॉस आ सकता है, लॉस आपका यहां पर क्या होता है? माइनस। फिर आप टैली करना, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन 2 के साथ क्वेश्चन 3 भी समझा देता हूं, जो आपको खुद करना है। सारी चीजें दिखाई गई है, इसमें बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व भी है। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व याद होगा, टार्ट का फॉर्मेट बनाते थे, बट नीचे एडजस्टमेंट में समझा देता हूं। देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च वो तो पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहां दिखाते हो? एक आप दिखाते हो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक होता है एसेट में। दूसरा, सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 सेंट टू शांति एंड कंपनी ऑन अक्रूअल बेसिस।
रिमेनिंग अनसोल्ड ऑन 31 मार्च द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 4000। अब ये खास न्यू एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखने जैसी है। यहाँ क्या होता है, ये आपका 12th में नहीं आता था, तो मैं समझा देता हूं, अगर आपको डाउट हो तो पहले मैं एक्सपर्ट एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं समझा दूं है क्या। देखो यहां पर क्या लिखा है, हमने शांति और कंपनी को 4000 की चीज है 5000 में सेल और अप्रूवल बेसिस पे दी है। सेल और अप्रूवल बेसिस क्या होता है, दैट मींस मैं आपके दुकान में, मान लो एक सेल्समैन हूं, मैं आपके दुकान में आता हूं, तो बोलता हूं ये चीजें आप अपने दुकान में रखो, बिके तो बेचना अदरवाइज मुझे वापस दे देना, बिके तो बेचना अदरवाइज मुझे वापस देना, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। जब तक सामने वाला कहता नहीं कि हाँ चलो ये मैंने रख ली या मेरी सेल हो गई, फिर वो सेल हो जाएगी। बट यहां पर हमें क्या कहा है कि शांति एंड कंपनी ने अभी तक कुछ भी आंसर नहीं दिया है, मतलब सामने वाले के पास 4000 की चीजें पड़ी है, भले मैंने उसे 5000 में बेची है, कल हो सकता है 1 अप्रैल 2 अप्रैल को वो कहता नहीं चाहिए मुझे चीजें वापस लेके जा, तो वो चीजें मेरी है, अभी मैंने सेल नहीं की है। तो यहां पर क्या लिखा है कि सेल इंक्लूड, हमने वो सेल में दिखा दिया है, कितने की सेल में दिखा दिया है 5000, तो इसके 4 इफेक्ट आएंगे। 4 इफेक्ट कैसे आएंगे, सेल्स में से 5000 माइनस करो, क्योंकि रियल में सेल हुई नहीं अभी तक, अभी सेल में से 5000 माइनस होंगे, तो सामने डेटर में से भी 5000 माइनस होंगे, क्योंकि सेल आपके 5000 है और सामने वाले ने अभी बेची नहीं तो पैसे तो दिए ही नहीं होंगे, दैट मीन्स वो डेटर में भी होगा, तो एक तो सेल्स में से माइनस होगा, एक आपका डेटर में से माइनस होगा, दूसरा ये स्टॉक तो है, चीजें तो पड़ी है हमारे पास, पर चीजें हैं कितनी 4000 की, तो जो क्लोजिंग स्टॉक आप यहां दिखा रहे हो, आपको ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया 30,000 का, उसमें ये 4000 प्लस होंगे, और सामने यहां भी क्लोजिंग स्टॉक में 4000 प्लस हो जाएंगे, मतलब 4 इफेक्ट कौन से देखे, सेल्स में से 5000 माइनस करना, क्योंकि हमने सेल में 5000 लिख लिया, अभी वो सेल ही नहीं हुई है, डेटर में से 5000 माइनस करना, सेल्स में से भी 5000 माइनस करना, डेटर में से भी 5000 माइनस करना, दोनों में से आपके 5-5000 माइनस होंगे, फिर स्टॉक में 4000 प्लस करना, क्लोजिंग स्टॉक में 4000 प्लस कर देना, हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो कभी भी आप क्लास पे आ सकते हो, शाम को 5 से 6 रोज मैं क्लास पे बैठता हूँ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कभी भी क्लास पे आ सकते हो। इसके बाद है राइट ऑफ बैड डेट 1570 एंड मेंटेन बैड डेट रिजर्व, ये 12th में कॉमन आता था आपका। फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन है, सेल्समैन को 5% कमीशन देनी है टोटल सेल पर। अब ये जो टोटल सेल, दैट मींस क्या, आपने जो सेल की थी, ऊपर में फिगर अगर आपको बताऊं, यहां पर जो सेल्स दिखाई गई है, आपकी सेल्स दिखाई गई है यहां पर, परचेज एंड सेल, सेल आपकी दिखाई गई है 91,000 की सेल्स दिखाई गई है, सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो 91,000 में से जो 4000 की सेल, 5000 की सेल, इनफैक्ट हमने जो सेल्स की थी जिसके लिए वो दिखाया गया था कि इनवॉइस जो हमने सेल और रिटर्न बेसिस, 5000 की सेल आपने माइनस कर दी होगी, तो 91 में से 5 माइनस किया होगा, तो बाकी 86,000 की जो सेल रहेगी उसका आपको 5% कमीशन देना पड़ेगा। 2 इफेक्ट कहां पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा है सेल्समैन आर एंटाइटल्ड टू कमीशन, 5% उसको कमीशन देनी है, तो हमारी लायबिलिटी में आ जाएगा, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना और एक लायबिलिटी में दिखा देना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3rd हो जाएगा। 4th में पार्टनरशिप शुरू हो रही है जिसमें 2 पार्टनर है 4th में, तो वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको 2nd और 3rd अभी कंप्लीट करना है आपके हो, और कोई भी डाउट हो तो शाम को 5 बजे मैं क्लास पे आपको मिलूंगा, पूछने आ सकते हो, तब तक 3rd और 2nd और 3rd अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। गुड बाय।